छात्र मिलन धाकड़ की मौत के बाद धाकड़ समाज ने पोहरी चौराहे पर किया चक्का जाम। आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग, धरने की चेतावनी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बरोदी के पास 10 वर्षीय छात्र का शव आज सुबह पड़ा हुआ मिला। इसके बाद गुस्साए धाकड़ समाज के लोगों ने पोहरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, साथ ही कहा कि जल्दी आरोपी को पकड़ा जाए। 10 वर्षीय मिलन धाकड़ की मौत के बाद गुस्साए धाकड़ समाज के लोगों ने पोहरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद धाकड़ समाज के लोग शांत हुए। पुलिस ने 6 बजे तक का समय मांगा। इसके बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद बड़ा आंदोलन करेंगी और धरने पर बैठेंगे। प्रदर्शन किया गया, किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया गया? देखो, ये यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है ये शिवपुरी जिले के पुलिस प्रशासन की नाकामी का प्रदर्शन है। 16 साल का युवा जिसकी हत्या कर दी गई इस शिवपुरी शहर में, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, जिसे शांति की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई बेरहमी से। अभी से कुछ साल पहले एक तथाकथित व्यक्ति ने किरार समाज, धाकड़ समाज के एक व्यक्ति को गोली मार दी। समाज के लोग सड़कों पे नहीं आए। मैं कहता हूँ ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। तुम लोग सभी चीज़ों में समृद्ध हो, सभी चीज़ों में आप आगे हो, उसके बाद अगर आप आगे नहीं आ पा रहे हो तो आपको चुल्लू भट पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किस तरह हत्या हुई है? हत्या ये लोग पुलिस प्रशासन वाले बोल रहे हैं, हम लोग 6 बजे का समय लिया है हमने। हत्या कैसे हुई है आप देख लीजिए। हत्या तो शिवपुरी में हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है। इसमें का व्यापार देखिए पूरे जिले में फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन को नहीं पता या हमारे सांसद जी को नहीं पता? यहाँ के विधायक प्रतिनिधि जो पता ही नहीं है यहाँ का विधायक कौन है, घर में जाके बैठे हैं, उनको शर्म करना चाहिए। तुमने जनता ने वोट दिया और जनता को ही तुम परेशान कर रहे हो। ऐसे विधायक का विरोध भी करना चाहिए, ऐसे बीजेपी सरकार का विरोध भी करना चाहिए और पुलिस प्रशासन का भी विरोध करना चाहिए। क्या आज प्रदर्शन में क्या मांगे आपकी? हमने अभी समाज के लोगों ने समय लिया है, 6 बजे का इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग 6 बजे के बाद फिर से धरने पर बैठेंगे। और धरना बहुत खतरनाक होगा, ये शिवपुरी के विधायक को, सांसद को और जो पुलिस प्रशासन को हम पहले ही सूचित कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, कि बाद में ये ना कह के ये क्या होगा, मुजरिम को सामने लाया जाए जो भी हमारे